सो हेलो वसम पीपल, हियर से अभिलाष। तो बताइए क्या हाल चाल। वेलकम ऑल टू वेरी फ्रेश न्यू व्लॉग। एक नए व्लॉग पे आप लोगों का स्वागत है। सो आज का जो व्लॉग है ना, वो काफी मजेदार वाला व्लॉग होने वाला है। एंड इस वाले व्लॉग पे फाइनली रिवील होने वाला है कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ एंड कितने तारीख को जा रहा हूँ, कितना दिन का ये प्लान है। सो सब आप लोग को पता लग जाएगा, लेकिन उसके लिए आप लोग को इस व्लॉग पे बने रहना पड़ेगा, श्योर। और अभी मैं एक बहुत ही मजेदार चीज दिखाता हूँ जिसके लिए मैं इतना ज्यादा वेट कर रहा था। जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू किया था, इस चीज का मुझे बेसब्री से इंतजार था। एंड वो चीज फाइनली अभी सेटअप पे पूरा करने वाला हूँ। एंड लाइक सीरियसली गाइस, अमेजिंग अमेजिंग फील हो रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सा चीज है, लेट्स गो। सो फाइनली गाइस, मैं जिस सेटअप के बारे में आप लोगों को बोल रहा था, ये रहा वो सेटअप, माई ड्रीम सेटअप। एक एक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या है क्या नहीं। सो ये है एक्सोर का हेलमेट, जिसको देश से 2 साल हो चुका है। अभी यहाँ पर आ जाता है रोड का कन्वर्टर, जो कि TRRS टू TRS कन्वर्टर होता है। एंड ये रहा गोप्रो का माइक एडाप्टर, जो कि मुझे पड़ा 4500 फ्रॉम Amazon। एंड ये है 1200 फ्रॉम Amazon। सो ये जो माइक है, ये है जो मैंने सिलचर से इलोरा मार्केट से खरीदा। इसका कॉस्टिंग लगभग 130 रुपीज का जैसे आया। बहुत ही अच्छा माइक है, बहुत ही अच्छा माइक है। पता नहीं ये कितना दिन चलेगा, लेकिन इसका जो बॉक्स है ना, अगर बॉक्स रहता तो मैं आप लोगों को दिखा देता। इसके ऊपर टिकटॉक लिखा हुआ था तो अगर आप लोगों को टिकटॉक वाला माइक का बॉक्स कहीं पर दिखता है, देन आप लोग इसको जरूर परचेस कर सकते हो। बहुत अच्छा माइक। उसके बाद आ जाता है उलांजी का केस, जो कि है प्लास्टिक का। ये मुझे लगभग पड़ा 1050 रुपए का, क्योंकि डिस्काउंट चल रहा था। एंड द मेन हीरो, इट्स द गोप्रो हीरो 11। जो परफॉर्मेंस ये दे रहा है ना, बहुत ही मजेदार परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड ये है मेरा स्कूटी का चाबी। एंड इस बटुए पे है थोड़ा बहुत पैसा, जो अभी थोड़ी देर में पूरा खर्च हो जाने वाला है। बाहर जाके क्या क्या करने वाला हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एंड इसको फाइनली सेटअप कर लेता हूँ। सेटअप करने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ, चलो। तो घर पे आप लोगों ने गोप्रो का जो मैं सेटअप करने वाला हूँ, वो वाला पार्ट तो आप लोगों ने देखा ही होगा। सेटअप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। एंड मेरा स्कूटी का भी कुछ इंपॉर्टेंट काम था, सो वो करवाने के लिए मैं अभी फिलहाल आ चुका हूँ बाइक सेंटर पे। बाइक सेंटर पे आया हूँ बिकॉज मेरा जो राइट मिरर है वो मेरे शोरूम पे अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से अभी बाइक सेंटर से मैं खरीदने वाला हूँ अपना राइट मिरर। यहाँ पर जो मिरर है उसका लगभग लगने वाला है 264 रुपीज। तो यहाँ से मैं मिरर परचेस करता हूँ। करने के बाद अपने ओरिएंटल पे जीत भैया के यहाँ पर जाके मैं ये मिरर फिट करवा दूंगा। सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाला। और अभी आप लोग थोड़ा बहुत क्लिप्स देखिए जो मैंने कल अपना सर्विसिंग करवाया था। तब तक मैं अपना जो मिरर है वो कलर कर लेता हूँ, और जीत भैया के यहाँ पर जाने के बाद मैं आप लोगों से गुफ्तगू करता हूँ। तो आज फिर से गर्मी द सीजन द वेदर पे आप लोगों का स्वागत है। एंड अभी मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स TVS शोरूम, क्योंकि TVS शोरूम पे करवाना है मुझे सर्विसिंग ऑफ माय स्कूटी, क्योंकि बहुत कुछ खराब होके रखा है गाइस। एंड राइड बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तो आप लोगों ने मेरा वेल्डिंग वाला ब्लॉग जरूर देखा होगा, जो मेरे पीछे का रैक था उसमें मैंने क्या वेल्डिंग करवाया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा देन उस ब्लॉग को जाकर चेकआउट करो और बताओ अपना ओपिनियन। और अगर आप भी टॉप रैक लगवाना चाहते हो देन ये वाला जो मॉडिफिकेशन है ये आप लोगों को जरूर करवाना पड़ेगा। तो गाइस, अभी का अपडेट कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ पर आया था 11:30 बजे को, और अभी का टाइम हो रहा है 1:50। एंड अभी भी मेरा स्कूटी कहाँ पर है पता है? मेरा स्कूटी अभी भी है यहाँ पर, देख सकते हो मेरा स्कूटी अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आज मुझे जो नंबर मिला है वो है 31। एक्चुअली मैं आज सर्विसिंग सेंटर पे बहुत ही ज्यादा रश है, जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर और भी जल्दी आ जाता तब और भी जल्दी मेरा काम हो जाता, लेकिन कुछ करने का तो है नहीं। अभी जाता हूँ अंदर एंड थोड़ा बहुत वेट करता हूँ, जब भी स्कूटी का कुछ काम वगैरह शुरू होगा मैं आप लोगों से बोलता हूँ। सो गाइस, अभी का हाल कुछ ऐसा है कि मुझे अभी जाना पड़ रहा है बाइक सेंटर। वॉकिंग डिस्टेंस है 5 मिनट का, क्योंकि शोरूम पे ब्रेक शू नहीं है एंड्रॉक का, और जो बैटरी है वो भी नहीं है। तो मुझे बापन तक यहाँ पर जाना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ से मुझे परचेस करना पड़ेगा। तो इसलिए जा रहा हूँ पैदल। अभी स्कूटी घुस चुका है अंदर। मैंने जो बैटरी परचेज किया है बाइक सेंटर से, ये है Amazon का बैटरी, और अभी सामने का पार्ट खुला जा चुका है। ये वाला मिरर भी चेंज होने वाला है। खरीदना पड़ा एक ब्रेक शू पीछे का और एक थ्रॉटल केबल, जो कि यहाँ पर लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये वाला जाम हो चुका है। अभी राइट पे तो जाम वाला थ्रॉटल तो लेके नहीं जा पाऊंगा। एंड ये जो पीछे का कैरियर है ये तो पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो Amazon का बैटरी लगाता हूँ और सामने का काम करवाता हूँ। फाइनली गाइस, आज मेरा सर्विसिंग का काम खत्म हुआ है। एंड मेरा जो टोटल आया है वो है 1110, जिसमें आप लोगों का इंक्लूडेड है ग्रिप, उसके बाद थ्रॉटल केबल, ब्रेक शू और सर्विस चार्ज। तो ये चारों चीज़ें मिला के आप लोगों का हुआ है 1110। एंड मिरर जो है वो मुझको नहीं मिला शोरूम पे, जो मुझे अभी बाइक सेंटर से लगवाना पड़ेगा। और आपका बैटरी जो है वो लिया था आपका Amazon का,
जो था आपका 1200। तो आप लोगों को अगर बोलूं तो ऑल इन ऑल मुझे लगा है 2500। तो अभी मैं फिलहाल आ चुका हूँ भैया के दुकान पे फिर से। तो अभी जो मिरर है वो अभी लगवाना चल रहा है एंड जिद्दा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं मेरे लिए। अगर आप लोग आना चाहते हो तो आ सकते हो। मिरर लगवाऊंगा, मिरर लगवाने के बाद स्कूटी का सर्विसिंग का क्लिप्स आप लोगों ने देखा ही होगा, कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। और उसके बाद यहाँ से रफू चक्कर होके मैं जाऊँगा घर, खाना वगैरह खाना है एंड यहाँ पर तो मिरर है ही नहीं, तो छोड़ो मिरर तो गया अभी नया वाला इंस्टॉल हो रहा है तब जाके कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ से मैं रफू चक्कर होके जाऊँगा घर पे खाना खाने, खाना वगैरह खा के उसके बाद जाना है फिर से और एक काम पे। तो राइड जो है राइड होने वाला है आप लोगों का 12 तारीख को, मैं निकलने वाला हूँ फ्रॉम सिलचर एंड मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स त्रिपुरा। त्रिपुरा पे जो मेरा पहला डेस्टिनेशन होने वाला है वो होने वाला है आपका अगरतला। तो अगरतला से आप लोग अगर कोई वीडियो देख रहे हो देन आ जाना, मैं आप लोगों को मीटअप प्लेस वगैरह सब बोल दूंगा। अगर कोई भाई लोग मुझसे मिलना चाहते हो देन ऑफकोर्स वेलकम है अगरतला पे। तो मिलता हूँ आप लोगों के साथ थोड़ी देर में काम वगैरह सब खत्म करने के बाद। अभी का अपडेट कुछ ये है कि मेरा जो भी काम था अपडेट सर्विसिंग वो मैंने निपटा दिया है एंड अभी जा रहा हूँ टूवर्ड्स घर। मुझे घर जाके करना है एडिट एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं अपने GoPro Hero 11 को नाइट व्यू में टेस्ट कर रहा हूँ। पता नहीं ये तो जब मैं एडिटिंग करूँगा तब जाके मुझे मालूम होगा कि इसका लो लाइट कैपेबिलिटी कैसा है। जितना तक मुझे पता है इसका GoPro Hero 11 का लो लाइट कैपेसिटी बहुत ही अच्छा है एंड कंपेयर टू अदर GoPros इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगता है फॉर व्हाट एवर रीज़न देन इस ब्लॉग को कर देना लाइक शेयर और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अभी 1K फटाफट से करना है। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू नेक्स्ट टाइम।